हमारे लोकप्रिय विधायक श्री पवन नैयर जी हमारे बीच में हैं और यहाँ एकत्रित होने का मकसद इनकी तरफ से आप लोगों का जो भारी मतों से आपने इस वार्ड से लीड दिलाई उसके लिए धन्यवाद करना है और आप लोगों का एकत्रित होना अपनी समस्याओं के साथ इनको अवगत करवाना है। तो ये एक कोई राजनीतिक मंच नहीं है, गेट टुगेदर है जहाँ हम बैठ के चौपाल कह सकते हैं कि शाम की चौपाल है, यहाँ बैठ के हम शहर की समस्याएं या अपने वार्ड की समस्याओं का एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। तो हमारे बीच में आज हमारे बुज़ुर्ग और कह सकते हैं हम सब के गुरु और एक वरिष्ठ नागरिक चंबा के श्री कुंदलाल गुप्ता जी बीच में हैं। मैं इनका आभारी हूँ, इस उम्र में भी इन्होंने हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आए। उनके साथ यहाँ पे डॉक्टर पुरी हैं, ये भी वरिष्ठ नागरिक हैं, अब तो रिटायर हो चुके हैं और ये भी हमारे बीच में हैं। दो इलेक्टेड 3 सदस्य पार्षद हैं यहाँ पे, उनका भी मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। मनिंदर पुरू और चंदन जी भी हैं और इस वार्ड के पार्षद धीरज बड़ियाल जी यहाँ हमारे बीच में हैं और एक बहुत खुशी की बात है कि उनके जो प्रतिद्वंदी थे योगेंद्र शर्मा वो भी हमारे बीच में हैं और का मिलन हुआ। ये संगम ही है, तो ये पार्टी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। जब दूसरे लोग हमारी पार्टी में नहीं आएंगे तो पार्टी का विकास नहीं होगा, पार्टी सुदृढ़ नहीं होगी। तो मैं चाहूँगा कि भविष्य में भी ऐसा चलता रहे कि लोग जुड़ते रहे, कारवा बनता रहे और चलता रहे और 2019 में जो हमारा लक्ष्य है उसे हम सफलतापूर्वक जीत सकें और मोदी जी को द्वारा देश का प्रधानमंत्री बना सकें। तो इसी के साथ मैं चाहूँगा कि योगेंद्र शर्मा जी जो ऋषु के प्रतिद्वंदी थे और आज मेरे मित्र भी हैं, वो भी अपने विचार रखें और इसे आगे बढ़ाएं लड़ी। अब हमारे लोकप्रिय नेता हमारे बीच में मौजूद, हमारे गुरुजी श्री गुप्ता जी, मैं नाम नहीं लूँगा, हमारे आदरणीय हैं डॉक्टर पुरी जी, सुनीत पुरी जी, मंच पर विराजमान पुरु मनिंदर जी, प्रवीण व्यास जी जो कि अभी हाल ही में इनको म्यूनसिपल काउंसिल का सदस्य मनोनीत किया गया है हिमाचल सरकार द्वारा और खासकर श्री पवन नैयर जी के प्रयासों द्वारा। हमारे बीच में मौजूद चंदन जी, महाराज कृष्ण दयाल जी और जैसा कि महाराज कृष्ण जी ने बताया मेरे प्रतिद्वंदी बोलने चाहिए, मारा तो ये बच्चा है अपने धीरज बड़ियाल जी। तो और सबसे ऊपर आप यहाँ पे पधारे हुए हटनाला वार्ड के वोटर्स, हटनाला वार्ड के नागरिक, मैं यहाँ पर आज बहुत खुशी का गर्व महसूस कर रहा हूँ। खुशी क्योंकि आज पवन नैयर जी हमारे बीच में मौजूद हैं जो कि एक जुझारू नेता के रूप में चंबा में काम कर रहे हैं जैसा आप सभी को मालूम है और इनका यही प्रयास रहेगा कि चंबा दिन दुनी रात चौगनी उन्नति करे। अभी आपने देखा है इनको बिल्कुल थोड़ा सा भी आराम नहीं है, मैं ये इनके मुंह पर तारीफ नहीं कर रहा हूँ। आज हर चंबा का हर नागरिक यही बोल रहा है कि जहाँ भी कोई कार्य होता है नैयर जी को फ़ोन करता है, नैयर जी एकदम से वहाँ पहुँच जाते हैं। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है और मैं चाहूँगा इसी तरह से आप नैयर जी को सपोर्ट करते रहेंगे। आप नैयर जी को सपोर्ट करेंगे, आगे गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलेगी, आपके कार्य होंगे और साथ ही सेंटर में जिस तरह महाराज कृष्ण जी बड़ियाल ने बताया कि मोदी जी के हाथ भी मौजूद होंगे, मजबूत होंगे और आपको यहाँ पे और भी ज़्यादा बजट मिलेगा। और इसी के साथ अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, एक बार फिर मैं यहाँ पर आपका पधारने पर अटनाला वार्ड के सदस्यों का धन्यवाद अपनी ओर से और ऋषु बड़ियाल जी की ओर से धन्यवाद करता हूँ। और एक बात मैं और बताता हूँ आपको, एक बात और क्लियर कर देता हूँ कि हमारी तरफ से आज से ही मैं ये बोल रहा हूँ कि ऋषु बड़ियाल यहाँ से अजय हैं और ऋषु बड़ियाल ही आगे के लिए पार्षद होंगे। धन्यवाद। कहूँगा सभी लोगों से कि मैं दो व्यक्तियों, विशेष व्यक्तियों का नाम लेना भूल गया, एक प्रवीण व्यास जी जो मनोनीत सदस्य हैं और दूसरा रमेश जी जिन्होंने हमें ये प्रांगण दिया, जिनके आशीर्वाद से हम ये सभा कर सके, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद भी है और इनका योगदान भी हमेशा रहा और आगे भी मिलता रहेगा। विशेष रूप से मैं इनका धन्यवाद दूँ। लायज बैकवर्ड एस्पायरेशन डिस्ट्रिक्ट में उसका कार्य आरंभ हो चुका है
मैं भी कल एक कैंप करके आया हूँ जो चांजू में था। चंबा में 25 गांव मोदी नीति आयोग ने चयनित किए हैं, उन पे कृषक अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू हो चुका है। उसमें तीन चुराज के तीन गांवों का सर्वे हो चुका है, उसमें मैं भी था, सनवाल, शिकारी और स्वाला चांजू में है। तो पिछले कल मैं स्वाला में जाके आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ऑब्जर्वर साथ में था, इसकी रिपोर्टिंग शुरू हो गई है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि हमारे विधायक जी के दिमाग में भी ये पिक्चर रहनी चाहिए। उसका कार्य शुरू हो रहा है और उसको मॉनिटर सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। मेरा विधायक जी से निवेदन रहेगा कि चंबा डिस्ट्रिक्ट के जितने लाइंग डिपार्टमेंट्स हैं कोई भी रिप्रेजेंटेटिव उसको कॉपरेट नहीं कर रहा, तो मान्यवर आप भी इसमें ध्यान दीजिए और डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से उन लाइन डिपार्टमेंट्स को कसिए ताकि चंबा जिला की उन्नति में जो मोदी जी वहाँ बैठ के कर रहे हैं और हमारी यहाँ से एफर्ट्स ना हो तो हमारे लिए बहुत बेइज्जती की बात होगी। उसके लिए आपका भी योगदान चाहिए, वो चाहे किसी भी एंड पे हो, आप उसमें विशेष अपना इंटरेस्ट लेकर के उसे कार्यान्वित करवाइए। क्योंकि कल उस कैंप में ना डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का कोई रिप्रेजेंटेटिव था, ना हॉर्टिकल्चर का था, ना एनिमल हस्बेंड्री का था, सिर्फ कृषि विज्ञान केंद्र, मैं और मॉनिटरिंग जो चंडीगढ़ से आया था, तेलंगाना का व्यक्ति था वो। तो तेलंगाना का व्यक्ति अगर सनवाल पहुंच सकता है, शिकारी मोड़ पहुंच सकता है, सनवाल पहुंच सकता है, तो चंबा की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्यों नहीं पहुंच सकती, ये विशेष ध्यान रखिए। कृषि विज्ञान केंद्र की पूरी टीम थी और ना ही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का था, जबकि उसमें चार डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन और डीसी ने भी इंस्ट्रक्शंस पास किए हैं, इसके बावजूद भी वो लोग नहीं पहुंचे, तो मतलब है कि उनका डेवलपमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और तो उसके अलावा मेरा विशेष आग्रह रहेगा चंबा के वरिष्ठ नागरिक, हमारे गुरुजी मेखल जहाँ जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब उनके शिष्य रहे होंगे, मेखल नैयर साहब खुद उनके शिष्य रहे हैं, तो अगर वो हमारा यहाँ मार्गदर्शन करें और इस वार्ड की समस्याओं को भी उजागर करें और क्या हम सरकार में बैठे हुए कर सकते हैं, वो हमारा मार्गदर्शन करें। उनके साथ अग्री श्रेणी में बैठे हुए सभी महानुभाव यहाँ बता रहे, सभी महानुभाव आपने जो मुझे सम्मान दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ये कहा गया है कि भी हटनाला वार्ड के जो समस्याएं हैं उन पर रोशनी डाली जाए, तो समस्याएं तो हमेशा से उठती रही हैं। ये यहाँ पर जो छंड है इसकी रिपेयर, इसको रोका जाए। बाकी तो मैं समझता हूँ कि हटनाला वार्ड में काम सुचारू रूप से चला हुआ है और यहाँ पर मौका मिलता है हमें विधायकी से डायरेक्ट बात करने का, निश्चित रूप में चंबा जो के जिसको कहा जा सका नमाना हो चुका था, जिसके सर पे कोई नहीं था, चंबा वाले देखें तो किसकी तरफ देखें। आज एक ऐसी शख्सियत यहाँ पर खड़ी हो गई है जिसकी तरफ चंबा वाले उम्मीद की दृष्टि से, आशा की दृष्टि से देख रहे हैं, वो आशाएं वो पूरी भी कर रहे हैं। यानी आए दिन आप लोग देखते हैं, हम तो ऐसे ज़्यादा संपर्क में इनके रहते नहीं हैं, लेकिन समाचार पत्रों के माध्यम से पता चलता रहता है कि वो कितने इस सिलसिले में जुझारू हैं, कितने आपके इश्यूज़ को टेकअप कर रहे हैं। यहाँ अभी पिछले दिनों एक उद्घाटन किया गया मुख्यमंत्री जी द्वारा, वो जो रोड लुड्डू से एक जाती है वहाँ पर पिछली तरफ को नहीं, वो नीचे स्कूल है ना, हाँ वो टीप की साइड। मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि एक रोड 25-25 साल लग जाते थे, एक एक मीटर रोड आगे नहीं बढ़ती थी, और आज की डेट में वो जो रोड बनी है उसके पक्का करने का प्रावधान बन हो गया है, और शायद मैंने सुना था कि 80 लाख रुपया या 60 लाख रुपया उसके लिए सैंक्शन हो चुका है। ये पहली बार है जो कि ऑन स्पॉट सैंक्शन भी मिल रहे हैं और डेवलपमेंट के कार्य भी हो रहे हैं। इस सारा ये जो जवान हमारे नेता हैं, जो जुझारू नेता यहाँ आज खड़े हुए हैं, आज किशोर लाल से ज़माना याद आता है।
एक बार मैं सौ गया था, वो जब मंत्री बने थे पहली बार, तो सौ से नीचे दरिया के किनारे ऐसा लगता था जैसे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ही यहाँ प्रोजेक्ट का काम चला हुआ है, वो 500 आदमी वहाँ काम कर रहा था। तो आज इनके इनकी देखरेख में, इनकी मेहनत से, इनके परिश्रम से जो चंबा के हालात देखने को सुनने को मिल रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो दिन दूर नहीं कि वो जो पिछड़ा हुआ तमगा हमें मिला है उसको हम हटा पाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि भाई इनसे इस वक्त हमारे पास बड़ी आदमी कोई नहीं है। जिस कदर इन्होंने इस मिशन मोड में अपना काम शुरू किया है, तो मैं समझता हूँ कि ये जैसे उन्होंने बताया, अभी शर्मा जी ने बताया कि भाई ये कामयाब हैं, तो कामयाब तो वही होगा, वोट उसी को मिलेगा, कामयाब वही होगा जो काम करेगा लोगों के, नहीं कि ये काम यही पार्टी है, यही पार्टी के आदमी पीछे हट गए, जो काम करने वाले आगे आगे, तो काम करने वालों की मान्यता होती है, उन्हें ही मान सम्मान मिलता है। तो मैं समझता हूँ कि ये सब लोगों के दिलों में आजकल ये घर कर रहे हैं, और आने वाले समय में, क्योंकि ये पहली बार है इनका, आने वाले समय में इनका भविष्य बहुत उज्ज्वल है, और हम उम्मीद करेंगे कि वे चंबा को प्रॉपर लीड दे पाएंगे, और एक विधायक के रूप में ही नहीं बल्कि मंत्री के रूप में और उससे भी ऊपर। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं उनसे विदा लेता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि भाई, और हमें तो, मुझे विशेष तौर पे खुशी होगी इस बात की, क्योंकि ये मेरे विद्यार्थी भी रहे हैं। धन्यवाद। मैं निवेदन करूँगा नालावाड़ के अपने मित्रों से कि कोई भी समस्या है जो आपके मन में है, विधायक जी आपके बीच में है, चाहे भले वो कड़वी हो, क्योंकि जब अपना अपना दिल का गुबार नहीं निकालोगे तो समस्या नहीं आती, सामने नहीं आती, और उसका समाधान भी नहीं होता, वो दिल में घुटके रह जाती है। तो आप चर्चा कर सके बैठ के करें, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, बैठ के। अब ये चौपाल है हमारे, जब मैं आपको बता दूँ नड्डा जी आए थे, उन्होंने विशेष रूप से चौपाल का आयोजन किया था, तो हम तो बड़े छोटे कार्यकर्ता हैं, हम तो आपस में बैठ के चर्चा कर ही सकते हैं, और ये सौभाग्य है। और अपने दिल की बात करें, आज आपके बीच में है, कई बार समय नहीं मिलता इतना खुल के बात करने का, इनका शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, आपको भी कई कार्य होते हैं, नहीं टाइम मिलता, तो आज आप चर्चा कर सकते हैं, जितनी अच्छी चर्चा होगी उतने अच्छे रिजल्ट आएंगे, पर हो पॉजिटिव, चाहे नेगेटिव भी हो आपके दिल में है, आप उसको पॉजिटिव समझे, आप चर्चा करिए, नेगेटिव पॉजिटिव चलता है वो चिंता का विषय है, तो इस चर्चा को शुरू किया जाए तो जवाब देते हैं। इन्हें गली पिछे तक जो मंदिर का इतना बुरा हाल है, वाटर टैंक लगे दे, कोई हर टाइम ओवरफ्लो होंगे, नीचे कीचड़ हों, मंदिर च इतना कुछ लक्ष्मण मंदिर दे, ठीक है जी। मंदिर कमेटी बनी रही है, मंदिर कमेटी जो कोई काम नहीं होना, जब मीटिंग होती चाह पीते चली जाते, कोई मंदिर का मतलब मंदिर के अगे पिछे कोई उन्होंने सुधार के वास्ते कुछ नहीं किया, या तो मंदिर कमेटी वही 40 साल पुराने हैं, उन्होंने चाह पीने चले जाए, उन्होंने बंक करी गई, ना ही कमेटी बनाई जाए, ठीक है, ताकि मंदिर के बारे सोचे, भांडे इतने गंदे मंदिर के न कि टुटे दे, इन्हों का पैसा बेरा फंड बेरा 3,000, 3,500, 4,000 रुपये लेंदे, वो क्यों नहीं वो परचेज करते। असं बोलते कि मंदिर के एक ऐसा पॉइंट है, उत्थे एक सीसी कैमरा लगाया जाए ताकि पता लगे कि उत्ते क्या क्या एक्टिविटी हो जाती है। उत्तर देखो ना, सारा सीमित जाना सारा उखड़े करता है, वो पांच दफा तो मैं बोली बैठा, असा तो इस मौके ही बोलिया था कि पहले नहीं छूटिया, जो बनाओ उत्थे मैंबर पहले, क्योंकि मल्ले का नुमाइंदा ना बाहर दे उत्ते जाने की सुट्टे दिते सारे, मंदिर का तो कोई पुछता ही नहीं जी क्या हाल हो करता मंदिर का, अज भी मैं दिखे करता सारा से सीमित खुड़े करता बाहर है, जितने भी जिन्होंने अपने टाइम पर कुछ कमाया ही नहीं, ते आवे अंदर बह गिर भी उन्होंने कुछ नहीं कमाना, सिर्फ चाय पीने से चली जाना, तो कमेटी बंद की। 7-8 साल पहले की गल है जी, मंदिर कमेटी जां डीसी दुबे साहब होंगे, मैं परसनली ना जो रिक्वेस्ट की मंदिर कमेटी वाले जो पीछे सीवरेज पाइप थी जाया कर दी, वो जड़ी जगह जगह टूटी थी,
और सारा गंद सड़क में फैलता था, हर जो दिखाया, पर इन्होंने कोई गौर नहीं की। अल्टीमेटली असी थोड़ा जहा फिर लिया पिछ एक लैटर बनाई और उससे फोटोग्राफ लेके सारी जगह भेजे। तो फिर इन्हें जो मंदिर वाले तकलीफ कि बई इन्हें जो पेशाब जाने की मुश्किल हो करती क्या करना। तो ये रोज़ कमेटी के जितने मैंबर थे दाम खाना जाते थे, पुजारी जाते सारे सब का पहले जाते और वो नहीं देखते कि बार गंद पेदा है सड़क में खिल रहे थे। मैं फोटोग्राफ भी मेरे का पेदे मैं पूरा दस गई तो वो दसा बोले जी इन्हें जो बड़ी पेशाब की प्रॉब्लम हुई जड़े असी फेस कर गए। तो सर्दी के दिन थे जी नहीं तो उत्थे तो बीमारी इतनी फैलनी थी महामारी फैल जानी थी। फिर असी हारी के डीसी साहब कने तो मिले नहीं थे, एडीसी साहब मिले थे, एसडीएम साहब कने मिले जी। फिर वो सीवरेज द लाइन तो हो गया। बाकी एक है कि उत्ते जो टैंकी रखी दी है टॉयलेट में 200 लीटर की टैंकी है जी, उत्ते सारा बाजार क्योंकि उत्ते टॉयलेट में कोई पैसे नहीं लगते और कुछ नहीं, जितने बाजार के बलोरीए जितने और भी है सारा तकरीबन फ्री ऑफ कॉस्ट उत्थे आते जी। और 200 लीटर की टैंकी कितनी कैपेसिटी होती जी, वो तो घंटे में खत्म हो जाती और उस टैंकी का सारा रिसाव इतना होया करता है, वो दीवार इतनी गंदी हो चुकी दी है किसी टाइम भी गिरी सकती। एक वो पॉइंट, एक देखो जी ऊपर जिस टाइम दाम लगती तो ऊपर का गिलास वगैरह बच्चे का कुछ दाम के बाद कुछ बच्चे आते रोटी वगैरह ले लेंगे और क्या होंगे कि चले दे होंगे कोई तो ऊपर का गिलास सुट देने जूठे वो सुट देने। अच्छा मेन उस अंदर क्या है कि ऊपर निकासी वास्ते कोई प्रॉपर हो नहीं है रस्ता, कई बार बच्चे स्कूल चले दे होंगे ड्यूटी और कई ऑफिसर ड्यूटी जाते जी ऊपर का पानी सफाई करते तो वह पानी सर उन्होंने कपड़े पर कई लोग द्वारा बच्चे स्कूल पाइप कोई नहीं बिछी दी है उस सड़क पर पैंता कोई भी है। सब तो बड़ी प्रॉब्लम है एक सोलर उपर गीजर लवाई तेरे उन्होंने क्या यूज है जब तुसा तीन पर हमारा सारा कुछ हुंदा पानी गर्म हो जाता वो सोलर गीजर लगाई तेरे वो पानी बंदर जाते नहाते उ पानी असं शायद यूज भी करते दाम बिच भी यूज हुंदा। इतनी बुरी हालत है ठीक है जी उन्होंने कोई सोलर गीजर तो नहीं और हर वेले लीक होंगी रही है और पौड़ी पर गिर देना पानी से एक लैटरन का क्या है कि इस लैटरन या तो सफाई प्रोपरली हो ठीक है जी चलो टूरिस्ट वास्ते है या पुजारियों वास्ते पर एक मंदिर के बैकसाइड काली माता के बैकसाइड ना जी एक टॉयलेट था जड़ा अबे भी है पर उन्होंने बंद रखे था सवेरे का जी सवेरे लोग मत्था टेकना चाहते उत्थे इतनी प्रॉब्लम है कि लोग लैटरन करना चाहते सारे जितने बाजार काम करते ना जी जड़े नौकर वगैरह लड़के बाहर कहते वो सारे उत्थे मोटरसाइकिल स्टैंड कर इसका भी थोड़ा जहा प्रोविजन किया जाए जी। एक अटनाला वार्ड अंदर कोई टॉयलेट वगैरह भी होना चाहिए तो सीवरेज हमारे कोई 10-12 फैमिली और मेरे ख्याल हमारे डाउन साइड में सारे दुकान ना तीन तक फैमिली हमारी सारी लाइफ आई बाहर डाउन है तो सीवरेज का कोई प्रोविजन नहीं है। अच्छी कई दफ़ा इंस्पेक्शन कराए अथॉरिटी का इंस्पेक्शन कराए पर कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा बड़ा साहब जो पता है ना तो अगर टाइल जगह अगर उत्तर पी जाए ना बजली वगैरह तो ज़्यादा बैटर है जी पानी सारा जो टाइलों के बच्चे ठीक कराई पहले पिछले थोड़ी जारी ठीक कराई फिर खराब हो जाती है। मैं मती बारी जेई जेई बोलिया समझो जो बोलिया वो कोई नहीं सुनते मैं देखना जिस टाइम बर्फ बारिश होंगी कपड़े लाई जाने चिकड़ वजह सारे कपड़े खराब हो जाए वो टाइल नहीं ठीक पी गई मंदिर जाना महाराज ने चमसनी का मंदिर है ना चमसनी का जी उत्थे एक तीन जैसी बनी दी है पर्वत विभाग से बोलिया अगर उत्ते एक चादरा वगैरह शेड वगैरह बन जाए ना तो छोटे मोटे फंक्शन वास्ते से वो आई सकता काम हाँ अगर पूछी दिखने मनिया गया तो ठीक है पुराने कनेक्शन नहीं पानी के कनेक्शन पुराने नहीं वो सारी ब्लॉक हो गई उससे कोई प्रेशर नहीं आता और अगर असं दोबारा करना चाहते
ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੰਡੀ ਬਣ ਜਾਏ ਖੰਡੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਦੂਰ ਦਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਅਸਲੇ ਕੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਿਤਨੇ ਸਟਰਕਚਰ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ ਨਾਲ ਉਹ ਫਾਇਰ ਹਾਈਡ੍ਰੈਂਟ ਵੈਸੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ ਹਰੀਸ਼ ਅੰਕਲ ਦੇ ਨਾ ਜੀ ਈਵਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਜਰੀ ਬਾਈਕ ਨਹੀਂ ਬਜਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਨਾ ਸਰ ਹੈ ਤਾਂ ਵਰਕਿੰਗ ਦਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਫੋਰ ਨੋ ਰੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਪਰਸਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਿਆ ਜੀ ਠੀਕ ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸਾਲੀ ਜਾਓ ਨਾ ਕਰੂੜੇ ਮਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਉਹ ਬਣਾਈ ਉੱਪਰ ਕਵਰ ਲਾਈ ਤੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਖੋੜੀ ਸਕਣ ਮਾਰੇ ਮੱਲੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਇਹਨੇ ਬਜਰੀ ਪਾਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪੇਪਰਸ ਅੰਦਰ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਹੈ ਸਰ ਪੇਪਰਸ ਅੰਦਰ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ ਹਾਂਜੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਉੱਪਰ ਜਾਓ ਸਾਲੀ ਮੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰੂੜੇ ਮੱਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਜਾਓ ਨਾ ਜੀ ਤਾਂ ਡੋਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੰਦਰ ਇਤਰਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਰਾ ਚੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉਤਰਾਈ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੂੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਪਰ ਕੁੰਟਲਾ ਸਾਬੇ ਕੂੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਇਹਦੀ ਸਪੀਚ ਕਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖਰੀਦ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੋਕ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟਰਨੇਟ ਰੋਡ ਦਿੱਤੇ ਰਹੇ ਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਈ ਦਿਓ ਨੋ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੜੋ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਲਿਆਈ ਤਾਂ ਸਕਣ ਅਸੀਂ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਧੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੋਕੀ ਲਿੱਤੀ ਅੱਧੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਰੋਕੀ ਲਿੱਤੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣੇ ਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਕਲਾਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਸੇ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕ ਖੜੀ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕੁਦ ਬਸ ਜੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨੋ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕਰਾਈ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ ਤੇਰਾ ਬੱਕੀ ਕੋਈ ਅਲਟਰਨੇਟ ਰੋਡ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਓ ਪਰ ਅਲਟਰਨੇਟ ਰੋਡ ਹੈ ਸਰ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਰਾਈ ਦਿਓ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਉਸਰੇ ਕਿਨੇ ਇੱਕ ਖੰਭਾ ਲੱਗੇਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੂੜਾ ਦਾਨੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸੇ ਖੰਭਾ ਹਟਾਈ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਸਤਾ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਬਾਈ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਂਦਾ ਦਿਸੋ ਓਬਸਟੈਕਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲ ਲੱਗੇਦਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਛੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਆ ਪੋਲਿਸੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਜਟ ਬੋਲਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਬਜਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਈ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਰ ਮਹੱਲੇ ਅੰਦਰ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਖੀ ਵੀ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕੁਛ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਹਮਾਰਾ ਮੈਲਾ ਢੋਣੇ ਵਾਲੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਲਾ ਹੱਥ ਕਨੇ ਚੁੱਕਦੇ ਕਿਆ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਇਕਿਊਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਮੇਟੀ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿਆ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਕ ਗਲਵਸ ਪਾਈ ਕਰੀ ਘਟੀਆ ਵੀ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੇ ਕਰਦੇ ਪਲੀਜ਼ ਉਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਦਰ ਅਸਾਂ ਜੋ ਅਗਰ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਇਕਿਊਪਮੈਂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਲੇਕਿਨ ਔਰ ਇਹ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਆ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਬਜਟ ਦਾ ਕਿ ਕਿਆ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਸਦਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਕਰਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਨਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਨ ਵੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਇਤਨੀ ਭਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੂਰਾਂ ਰਸਤੇ ਉਤਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਉਸੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਸੁਰਾਲੇ ਲੱਗ ਜਾਏ ਚੌਂਤੜੇ ਲੱਗ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਸ ਵਕਤ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਨ ਵੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਦਿਓ ਜਾਂ ਉਸ ਵਨ ਵੇ ਜੋ ਕਲੀਅਰ ਰੱਖੋ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੱਸਿਸ ਬੱਚੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਟੀਪ ਰਸਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰੇਕ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਡੋਗਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਰਿਸਕ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਕੁਛ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਵਨ ਵੇ 'ਚ ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਬੋਲੀ ਕੇ ਉਸ ਲਾਈਨ 'ਚੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਤ ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਇਲੀਗਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁੱਕੜ ਵਾਈ ਦੀ ਹੱਟੀ ਦਾ ਗੱਡੀ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਔਰ ਕੋਈ ਰਾਤੀ ਬਰਾਤੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਜਾਊਂਗੀ ਵੱਡਾ ਇੰਜਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਨਿਵੇਦਨ ਰਹੇਗਾ ਚੰਬਾ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਵਨ ਨਈਅਰ ਜੀ ਸੇ ਕਿ ਵੇ ਹਰਨਾਲਾ ਵਾਰਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਣਾਵ ਕੇ ਬਾਅਦ ਇਨਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰੋਂ ਸੇ ਇਨਕੇ ਅਵਗਤੀ ਕਰਾਏ ਕਿ ਭਵਿਸ਼ਯ ਮੇਂ ਇਨਕੀ ਕਿਆ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਯੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਚੰਬਾ ਕਾਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਕਾ ਉਠਾਨ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਯ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੱਗਤਾ ਹੈ ਯੇ ਹਮੇਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖਣੀ ਪੜੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਮੇਂ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਬਹੁਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰੱਖਤਾ ਹੈ ਉਸਮੇ ਮੈਂ ਵੀ ਰਿਜੂ ਚਾਹਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਮ ਆਜ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਕਾਮ ਕਰਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲਤਾ ਹੈ
और मेरा निवेदन रहेगा कि मोदी जी को भी अगले 5 साल मिलने चाहिए, अगर आप सबका आशीर्वाद रहा वो मिलेंगे भी अवश्य। इसी के साथ मेरा नैयर साहब से निवेदन है कि वे अपने विचारों से हटनाला वार्ड के कार्यकर्ताओं को अवगत कराएं। नहीं और इन्हें हमेशा आशीर्वाद रहा, मठंदरी में जाता रहा और जहाँ भी मिले बिल्कुल नेक सलाह देंदे रहे। और सारे के पहले मैं तुम्हारे सारे लोग का धन्यवाद करता, इलेक्शन अंदर हटनाला वार्ड का लीड आई और अगर अस जीती भी गए हार जी चलती रही। अज असो जो जीते मेरे ख्याल 6 महीने लगे हूँ और मेरी पूरी कोशिश रही कि चंबरी डेवलपमेंट करने जितना जितने ज़्यादा मैं कराई सकूँ और मैं इस वास्ते दिन रात दौड़े रहे। तो मैं अब तुम्हारे अठनाले वार्ड दे दिखता, मैं तो सोचता जी इतने साल इतने कोई काम ही नहीं हुई साहब कहता, और मैं जितने भी जाता मैं तो बड़ा हैरान है जे जिस ग्रां अंदर गया जिस महल अंदर गया अब तो दिखो तुम्हारे तो पानी छंड धीए भेरी है। और मेरी रिशु कने भी मुझे बोल रहा हूँ जी पैसे दो इसे मैं बोली तेरा ये छंड का चाहे तू बना 4 करोड़ रुपये चाहे बना 5 करोड़ रुपया मैं पूरे चंबे वास्ते इशू बोलता एक तुम बनाओ चाहे 30 करोड़ का बनाओ चाहे 40 करोड़ का बनाओ पूरे चंबे की ब्यूटीफिकेशन वास्ते। और इस वास्ते मैं इशू बोल रहा मेरे ख्याल है लग रहा बनाना पैसा आना माड़ी ड्यूटी है। अब छंड वास्ते वैसे है तो तुम्हारे लोगों की भी गलती, देखो जितना ने घर पाए थे मेरे हिसाब से सारे मलबा थले सुटे हो और पानी भी मलबा तो सुटे ना पर कमेटी ने पानी भी सुटे। हाँ सुनो ना और पानी भी घर थले जाता है अगर ठीक तरीके कर पाइप लगाई करी और पाइप थले तक जाई रहे सारे मिली करी का चैंबर बनाई गई तो इस रोकी भी सकते क्योंकि नुकसान तो है ही है सारे नुकसान है। असं पूरी कोशिश करनी इस मैं इसे बोलिया मैं तू डंगे लाई दे जितनी कोशिश होंगी असं पैसे देंगे इस वास्ते। और मैं इसे बोलता एस्टिमेट क्या बनाता है मैंने पूरे शहर का बनाओ इसका 40-50 करोड़ रुपये का क्योंकि पैसा दिल्ली का ही आना है। मैं शिमले भी गल की है वो DPR बनाई के लिए अस पूरी मदद करिए तो यह मेरे ख्याल एक्शन PDOD जो बोलिया सने और मेरे ख्याल रिशु है बनाता है मैं जितना पैसा लगे इसका तुम बनाई के लिए अभी पकड़ के दिल्ली आई गई थी तो यह कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी एक तुम दसिया लक्ष्मण मंदिर की गल है इसका चेयरमैन DC साहब भी मैं इसके बाद पूरी उन्होंने गल करेगी जी टैंकी दसी उन्होंने 200 लीटर की है उसे 1000 भी लैसे तो कोई ऐसी गल नहीं है अगर ये आज कल जल मनी जाते 1000 टैंकी तो मैं कल ही लवाई देनी कोई ऐसी गल नहीं है इस दिता पर फिर भी असं पूरी कोशिश करते टैंकी की और सफाई की भी अभी पिछे इन्हें मेरे ख्याल बोले रिशु ने जे तुम्हारा हाथ है इतने टाइल पेगी और मैं पूछाछ भी की बिल्कुल ठीक टाइल पे रही है जॉइंट मिले दे। बाकी जितनी भी तुम्हारी जी जानकोरियों दसिया जे और इन्होंने भी दसिया शर्मा जी जी तुम्हारी टाइल जो या तो ठीक कराई देंगे तो नहीं तो बजरी पाई देंगे इस दे भी लाज तुम फैसला कर लियो टाइल जो दोबारा उखाड़ी के दोबारा लाई देंगे टाइल जो कोई ऐसी गल नहीं है। बाकी इन्होंने दसिया इसका तीन वास्ते तीन का भी कोई गल नहीं है भूल गया कल ही तीन पाई देनी हर किलो जो गल करता मैं कहने जे ये पाई देंगे तो यह पाई देनी कि अस पाई देंगे तुम्हारी टीन की कोई ऐसी गल नहीं टीन का कोई एड्डा मसला नहीं है कि एडे लगे आने तेरा मारी तो पूरी कोशिश है तुम देख लो जहाँ असी मैं अब शिमले कहता था मैं थोड़ा 10 मिनट पहले भी दसा कंदू मैं रुकया था जिया और मैं लोगों के बेचारे उत्थे इतने तंग थे हुई रहे हो कि बोलते न्यारे अंदर बेचारे अज तक नहीं गल लगी तुम जाओ फिर खंभे ले जाइए उत्तर और मैं वे कल शिमले जाना वापसी और माई के मैंने स्विच ऑफ मैं आपू आइए करना चाहिए और इतने साल बोलते जी असने 40 साल हो गया सर हूँ इसी गल बच्चे और मैं जे मारे एक्शन साहब इन इलेक्शन रिपोर्ट दे उन्हें धन्यवाद करता उन्होंने मैं टाइम बाउंड काम था तरह मैंने 15 दिन और उन्होंने 15 दिन का पहले करी थी मैं अभी फोन किया बोले 3 दिन बाद असें बिजली चालू कर देनी है। इं तुम देखा जे परमोर चौंक 0 पॉइंट का दिख लो तुम और इतनी प्रॉब्लम थी लोग बेचारे पैदल चलते थे कुछ मौके भी एक्सीडेंट होने का डर था इन्होंने जो ऐसा ने एक्शन PDOD 25 लाख रुपये देता है ना जो और सड़क के बाहर फुटपाथ गार्डन अंदर बनना और मैं अभी शिमले का आता मैं सोलन देखा था उस फुटपाथ उपर मैं देखा जे ना छाती फेरी और मैं बोली तो मैं इस छत पाओ और अब यह जी फुटपाथ बना इस छत पौनी और जितने अगे पुराना बस अड्डा है इतने भी जो फुटपाथ है इसके उपर भी छत पौनी
और उसके द्रोग के उस दिन जी वाइनिंग की उसके उपर भी फुटपाथ बनना ताकि लोग साइड में चली सक। एक फुटपाथ की जरूरत तो नए अड्डे का सपड़ी रोड आती उत्ते फुटपाथ की जरूरत। एक मैं इस नए अड्डे का एक और बड़ी कंप्लेन थी कि भाई इतने लाइट नहीं है कैफे रोड का तुम थले उतरो तो पैड़ियाँ बनी गई पर लाइट नहीं उत्ते। इस वास्ते 11 लाख रुपये असा इन्हों दे दिता और 11 लाख रुपये के पूरे थोड़ी जितने मारे शहर अंदर लाइट रहेगी होंगी चुगाना में एक दिन चक्कर थलों का लाइट कट दी मैं अज भी लाइट लाई गई उतों देखे होना साइड उत्ते कैफे रोड पर लाइट लाई गई पंज छे और कैफे थले जी पैड़ियाँ बनिया उस पर भी पूरी स्ट्रीट लाइट लगनी। और मैं जो फुटपाथ की गल की उस तक कौन फुटपाथ यानी नए बस अड्डे का लेके सपड़ी तक पैदल पैदल जड़े और दैट इज वेरी डेंजरस। नहीं उसकी भी असं देखते हैं लिफ्ट वास्ते से भी लाई थी करना पूरी कोशिश करते ठीक बोले तुमने उस अंदर टर्न करते थे पहले रिवर्स भी करते थे अगे काम लगे रहते और उसके बाद भी एक और कोशिश मैं एक साथ मतलब थले तक वाइड नहीं करो सही। अब मैं एक दिन मौका करना उसका और पूरी SP दे थले तक पूरी जी वाइड नहीं हो जाए पार्किंग का सुनते सुनते असर अच्छी 40 साल हो गए पार्किंग 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 और तुम देखी लैना अगले महीने सर ने उत्ते SP दे जे SP दे जे रेजिडेंस उस सामने 100-125 गड्डी पार्किंग उत्ते बनी जानी पहले मारी ताकि इमीजिएट काम चल जाए सर। इसका पैसा का भी मार्का फेर है सर 7-8 करोड़ रुपया जरा पुराना बस अड्डा मारा ये पार्किंग जी बनती है ये बननी है 50-60 करोड़ रुपये की इसे लगना टाइम इसका भी काम चले दा है ये पैसा आना सेंट्रल गवर्नमेंट का और लेटेस्ट बनना है चाहे 1 साल लेट होगा 2 साल लेट होगा पर यह बननी बिल्कुल बढ़िया चीज़ है फ्लाई की बननी चीज़ है। इस वास्ते मैं पिछले लगे रहा तुम्हारा तुम देखो भट्ठे नाला जोड़ा है ये ब्रिज रही है हमारा शिमले जाई करी मैं इस भट्ठे नाले भी 20-25 करोड़ रुपया जोड़ा ये बिल्कुल पलान अंदर पी गया और मेरे ख्याल अगले साल सिरे भी इसका DPR बनाने होने इस ब्रिज की। एक तुम्हारे उत्ते था त्रोली नाले जिते बाबू मोहला का क्रश थले नाला वो ब्रिज भी कराई था वो भी इस नैशनल हाईवे कन्ने वो भी बनना कन्ने और ये लोगों की बड़ी पुरानी डिमांड थी सीरी असल जो कोई सर नहीं मैं तो आपू जा रहा था मैं तो चाहे सैकटरी होंगे चाहे जीते होंगे असं तो पैसे वास्ते मैं हरेक अपने और सारे बेचारे वो करते चाहे हमारे मुख्यमंत्री इन्होंने भी कभी कुछ चीज़ ना नहीं की अभी मैं तो जा भी जाता हालांकि मेरी सा गलती तसीम साहब बोलते आया कोई ना कोई अभी और कभी ना नहीं की इन्होंने एक हार्ट का पेशेंट था मैं तुम दसिया पहले उसको पैसा दवाया एक जडेरे का था बेचारा कैंसर का पेशेंट था बेदी हो रही मेरे गाय बोले नहीं साहब ये तो बड़ा पूंदा काम है और उसको पैसा दवाया इसने एक मंगलिया का था बेचारा वो भी कैंसर का पेशेंट था उसे 1 लाख रुपये दवाया। तो हमारी पूरी कोशिश है कि चंबेरी डिवेलप अभी हार जीत होगी अभी कोई कांग्रेस से BJP पर नहीं अभी तो सारे किट्ठी मिली जुली करी जो है ये काम करना चाहिए क्योंकि मैं दिखता है जे इतने साल असं पिछे हो जाए कोई साहब नहीं है सर अभी लोग चलो गल तो कर सकते और तुम दिख लियो उपर तुम्हारी मलूणा रोड है जिसे रुपये कहने असं लोग पानी पीते हैं कभी कुछ नहीं सोचे 2 करोड़ की DPR तैयार है काम तो मैं कल भी शुरू कराई सकता 15-20 लाख रुपये दे करी से एक्शन साहब जमेलना इसे जे फ्रैश के पैसे जमा होइए 42 लाख रुपया अभी सर असने 2-3 महीने अंदर सर 2 करोड़ रुपया और पूरी सड़क जी उत्तर अब मैं एक मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा धन्यवाद करता मुझे परसों चिट्ठी मिली एक कि भाई 14 करोड़ 86 लाख रुपये जरा चंबा खजार रोड की वाइंडिंग होनी है चिट्ठी मेरे अभी याद नहीं रही मेरे ख्याल में और परसों मुझे चिट्ठी मिली गई और उन्हें CM साहब ने अपने हाथ कहीं लिखी रही उसे तो 1000 रोड हमारा टूरिस्ट प्लेस है तुम देखो तुम जानते कि यार किन्ने सड़क तंग है अब क्या पैसा आई है सर एक चीज़ हो रहा है सर अब 1000 नहीं वो चलो ये पता क्या एक ये कोई अब पहले DF साहब ने गल की बोले ये पार्किंग लगती 2 जगह पहले 1000 लगती थी कहने अब 1000 नहीं लगनी मैं तुम्हारे पहले मेरे को भी आया मैं ले रहा तुमने सीधे डबल करी था बोले असने जी जी पार्किंग थी 1000 वाली वो बंद करी थी असने और एक जगह करी थी टूरिस्ट करो हाँ। लोकल आदमी तो नहीं नहीं चलो ये अबे तो हुई है अगली बार करिए सर अभी असं कि जी लोकल गड्डी आती उस ना कितने अब सर ऑप्शन हुई है नहीं सर अभी तो चेंज कर ही नहीं सकते सरकार ने भी कर टेंडर भी हुई और काम भी लग पाया
ਵਾਟ ਰੋਡ ਇਤਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕੱਚੀ ਉਸਦਾ 2.5 ਕਰੋੜ ਮੈਟਲਿੰਗ ਟਾਈਲਿੰਗ ਦਾ ਆਈ ਗਿਆ ਸਿਰ ਅਗਾਰ ਰੋਡ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਸਿਲਾਨਿਆਸ ਕੀਤਾ ਕੰਨੇ ਉਸਦਾ ਪੱਕੀ ਰੋਡ ਦਾ ਵੀ 2.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਕਰੀ ਦਿੱਤਾ ਬੜੀਆਂ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ MHPC ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤਾ ਸੁੰਦਰ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਉਸਦਾ ਵੀ ਕਰਾਈ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪੂ ਜਾਈ ਅੱਬੇ 16 ਨਈ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਅੱਬੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੱਗਾ ਪੇਟੀ ਬਾੜਾ ਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਾਂ 15 ਤਰੀਕ ਜੋ 15 ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੇਟ ਕਰਨ 18 ਉਸਦਾ ਵੀ ਸਿਲਾਨਿਆਸ ਕਰਨਾ ਉਸਦਾ ਮੰਗਲਾਸਨ ਰੋਡ 'ਤੇ ਦੇਖੀ ਲਿਓ ਕਿਹੜੀ ਕਥਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹਾਲੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਣੇ ਰਹੇ ਜੋ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਗਾ ਰੋਡ ਉੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਪਰ ਹੈ ਕੰਮ ਉਹ ਹੀ ਕਰਨੇ ਠੰਗਣੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸੇ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ 5 ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਤਨਾ ਪੈਸਾ ਬੋਲੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਾ 20,000 ਰੁਪਈਆ ਔਰ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਈ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਈ ਆ ਮੈਂ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸ਼ੋ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਕਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਬਾਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗੀਏ ਕੰਮ ਉਹ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਜਿਸਦਾ ਪੈਸੇ ਰੋਡ ਬੰਨੀ ਪਾਸੇ ਪਰ ਰੋਡ ਸ਼ੁਰੂ ਸਿਲਾਨਿਆਸ ਕਰਨੇ ਪੈਸਾ ਆਈ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਗੱਲ 3-3.5 ਕਰੋੜ ਕੰਮ ਉਹ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਜਿਸਦਾ ਪੈਸਾ ਮਾਰ ਗਿਆ ਅਬੇ ਇਤਨੀ ਰੋਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਮਤ ਮੈਂ ਔਰ ਅਬੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗਿਆ ਗੇਟ ਪਰ ਉੱਤੇ ਸੜਕ ਕੰਨੇ ਗਰਾਨ ਔਰ ਮੈਂ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਿਆ ਨਾ ਅਬੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਟਾਈਮ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਰੰਡੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਇਤਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲੰਘ ਕੇ ਸੜਕ ਕੰਨੇ ਗਰਾਂ ਸਰ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲੇ ਮੈਂ ਸੜਕ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਨੀ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੋ ਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੂੰਗੇ ਜੱਜੀ ਮੇਰੀ ਔਰ ਅਬੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡੀ DPR ਸਾਰੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸੜਕ ਵਿਆਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੀ ਅੱਬੇ ਸਾਰੇ ਝੱਲੀ ਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦਾ ਅਸੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਅਬੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਾ ਜਿਸੋਂ ਕਿ ਇਹ ਬਰਸਾਤ ਕਾ ਪਹਿਲੇ ਔਰ ਇਸ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰੀ ਮੈਂ ਅਬੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਕਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ SC ਸਾਹਿਬ ਕਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਦਮੀ ਰੱਖੀ ਲਓ ਚਾਹੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਜੋ ਆ ਫੀਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗੇਜ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਜੋ ਚੰਬੇ ਦਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਔਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੂਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਅਬੇ ਸਰੋਲ ਦੇ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਮਾਈ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇਖ ਲਿਓ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਰਨ ਮਾਈ ਦੇ ਬਾਗ ਅਬੇ 3 ਪੰਪ ਲਵਾਏ ਉੱਤੇ ਹੋ ਮੈਂ ਹੈਂਡ ਪੰਪ ਲੱਗ ਲਵਾਏ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਮਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੋਲ ਜਾ ਜਾਓ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜਪੁਰ ਜਲ ਜਾਓ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਉਦੈਪੁਰ ਜਲ ਜਾਓ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਗਜਰੂਈ ਜਲ ਜਾਓ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਾਲੇ ਕਿਲੇ ਨੇ ਅਭੀ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਲਟਰ ਟੈਂਕ ਲੱਗੇ ਬਣਨਾ ਅਸਾਂ ਆਪੂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਸਾਰੀ ਜਾਈਗੀ ਔਰ ਫੁੱਲ ਸਪੀਡ ਕਨੇ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਮੁੰਜੋ ਸੜਕ ਅੰਦਰ ਚੰਬਾ ਤੂ ਪ੍ਰਿਆਰ ਕੋਈ ਗੱਡਣਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਜੋ 2 ਜੁਲਾਈ-8 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਚੰਬਾ ਟੂ ਸਾਹੋ ਕੋਈ ਗੱਡਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚੰਬਾ ਟੂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਕੋਈ ਗੱਡਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਚੰਬਾ ਟੂ ਕਰੀਆਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੜਕ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਗੱਡਾ ਕੋਈ ਬਰਸਾਤ ਅੰਦਰ ਪਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਵਾਲਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਆਈ ਜੀ ਬਾਲੂ ਤੱਕ ਪਈ ਜੀ ਬਾਲੂ ਕੋ ਅੱਗੇ ਅਵੇ 9 ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਆਉਣਾ ਉਸ 9 ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਵਾਢਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਰਹੇ ਮਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਚੰਬੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲਿਆ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੌੜੇ ਔਰ ਅਭੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਔਰ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹੱਥ ਪਾਈਏ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸੇ ਪੂਰੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਉਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਦਸਤਾਨੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਦਸਤਾਨੇ ਪਤਲੇ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਨ ਇਸ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੂੰਹ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋ ਔਰ ਮਾਸਕ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ ਕੇ ਪਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਦੇਖੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਪਰ ਸੈਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਈ ਲੋਕ ਮੈਂ ਸਰਾੜੇ ਵਾਲੇ ਦੇਖੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਬੈਗ ਪਕੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਡਸਟਬਿਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਢੋਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪੂ ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਯਾਰ ਡੱਡਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਯਾਰ ਫਲਾਨੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ
ਡੰਗੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਡੰਗੇ ਦਾ ਇਹ ਬੋਲਗਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣ, ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਫਿਰ ਹੈ ਜੇ 3 ਲੱਖ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰੋ 3 ਲੱਖ ਅਸੀਂ 5 ਵੀ ਦੇਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਨਾ ਮੰਦਿਰ ਸਾਈਡ ਹੈ ਨਾ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਬੇ 1000 ਡਸਟਬਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੋ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਗ੍ਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗਣੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗਣੇ, ਇਹ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 10-15-20 ਦਿਨ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਆਈ ਜਾਣੀ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਰੱਖਣੇ ਕੁਦਨ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ, ਮੈਂ ਲੈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਵਣ ਲਈ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸ ਦੇਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਸਟਬਿਨ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬਾਕੀ 50 ਮੀਟਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸੜਕਾਂ ਅੰਦਰ ਡਸਟਬਿਨ ਲੱਗੇ ਦੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਡਸਟਬਿਨ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਡਸਟਬਿਨ ਜੋ ਜਿਸ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਲਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਡਸਟਬਿਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੋ ਜੋ, ਫਿਰ ਡਸਟਬਿਨ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਕਲਣੇ, ਮੈਂ ਲਿਆ ਗ੍ਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਡਸਟਬਿਨ ਆਪਣਾ ਲਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਲਿਆ ਸਰ ਐਸਾ ਕਰੋ ਆਪ ਕੋਈ ਆਪ ਡਸਟਬਿਨ ਦਿਓ ਔਰ ਇੱਕ ਗਾੜੀ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਦਮੀ ਦਿਓ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਤੇਰਾ ਸਫਾਈ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਡਸਟ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਲਾਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੇਖਿਆ ਕਾਂਗੜੇ ਪਾਸ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਅਬ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਜੇ ਡਸਟਬਿਨ ਅਸੀਂ ਲਗਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਚਲੋ ਮੰਗਲੇ ਲਗਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਫਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਮਰ ਕੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਜੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜੀਆਂ ਮਾਰੇ ਦੂਰ ਕੰਟੇਨਰ ਦੀਆਂ ਕੰਟੇਨਰ ਬਣਾਓ ਔਰ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ 4 ਐਵਰ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਹੋਈ ਜਾਣਾ। ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੱਲ ਇਹ ਭੇਜੋ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਡਸਟਬਿਨ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਪਰ ਉਹ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਖਾਸ ਕਰ ਗ੍ਰਾਂ ਦਰ ਕੀ ਆਉਣਾ ਸਫਾਈ ਵੀ ਵੀਹ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜਾ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ 20-25 ਦਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਢਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਮਿਲਣੇ ਹੀ ਮਿਲਣੇ, ਇਹ ਚਾਹੇ ਜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੇ ਹੇਠੇ ਦਿਨ ਚਾਹੇ ਉੱਪਰੇ ਦਿਨ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਕਰਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਟਾਈਲ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਉਖਾੜੀ ਗਈ ਵਜੀ ਪੈ ਜੀ, ਹਾਂ ਫਾਇਰ ਆਈਡੈਂਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਡੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਨੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਬੰਦ ਦਿਨ ਪੇਰੇ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਮਾਰੇ ਪਾਸ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਮਾਰੇ ਪਾਸ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਪੀਡ ਵਧਣੀ ਕੱਢਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੋ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ, ਅਬੇ ਮੋਸ਼ਨ ਪੋਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੋ ਸਾਡੇ ਓਪੋਨੈਂਟਸ ਅਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਲਿਟਰਲੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਬੋਲੇ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਬੋਲੇ ਕਰਦੇ, ਕਮਾਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ, ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਸਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋ ਵਰਦੀ ਬੀਜੀਪੀ ਆਈ ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਸੁਣਾਈ ਹੋਏ ਕਰਦੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸੁਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੀਡ ਮਿਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਦਿਨੋਂ ਤਮੰਨਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਕੁਛ ਪਰ ਉਸਾਨ ਲਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕੁਛ ਪਰਸਾਨ ਲਾਣੇ ਦੀ, ਮਾਈ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸ ਗੇਮ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਮਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮਾਰਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚਦਾ ਯਾਰ ਇਸੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਮਾਰੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਰਿਸ਼ਨ ਦਾੜੀ ਬਣਾ ਆਈ ਜਾਣਾ ਆਈ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਥੀ, ਮੈਨੇ ਇਨਕੋ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਆ ਥਾ ਕਿ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਗਰਾਹ ਕਰਨੇ ਜਾ ਰਹਾ ਹੂੰ ਕਿ ਲੋਗੋ ਕੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੇਂ, ਇਸ ਬਾਤ ਕੋ ਗਾਂਠ ਬਾਂਧ ਲੀਜੀਏ ਕਿ ਨਈਅਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਮ ਤਭੀ ਕਰਵਾ ਪਾਏਂਗੇ ਅਗਰ 2019 ਕੇ ਚੁਣਾਵ ਮੇਂ ਚੰਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਸੇ ਲੀਡ 4 ਗੁਣਾ ਇਨਕੀ ਲੀਡ ਸੇ 4 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਅਨਯਥਾ ਇਨਕਾ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਕਾ ਉੱਪਰ ਉਠੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੋ ਵਹਾਂ ਬਾਤ ਕਰਨੇ ਮੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਜਬ ਚੰਬਾ ਸੇ ਲੀਡ ਜਾਏਗੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇ ਲੀਏ ਤੋ ਇਨਕਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਥਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੰਬਾ ਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕੇ ਸਾਥ ਡੰਕੇ ਕੀ ਚੋਟ ਪੇ ਵਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲ ਸਕਤੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲੀਡ ਇਹ ਆਈ, ਇਹ ਕਾਮ ਕਰਨਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਕਾਮ ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੈ, ਤੋ ਚੰਬਾ ਕੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੇ ਲੀਏ 2019 ਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮ ਹੋਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਆਦਮੀ ਭੁੱਲ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਪੱਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾ ਕਾਮ ਨਿਕਲ ਜਾਤਾ ਹੈ ਵੋ ਆਂਖ ਫੇਰ ਕੇ ਵੀ ਨਿਕਲਤਾ ਹੈ, ਤੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਵੇਦਨ ਰਹੇਗਾ
कि 2019 का चुनाव को ध्यान में रखिए, मोदी जी को लाइए, तभी इस भारत की उन्नति होगी। आज विश्व में परचम भारत का लहरा रहा है और वो स्वर्णमय इतिहास 19 में फिर लिखा जाएगा, उसका विशेष ध्यान रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा इस वार्ड के पार्षद धीरज बड़ियाल जी से कि वे सभी आए हुए सदस्यों और विधायक जी का, विशेषकर गुप्ता जी का, जो हमारे गुरु भी रहे, सबसे सीनियर है मेरे ख्याल से इस बैठक में, उनका भी धन्यवाद करें। आदमी अपने लिए सब्सिडी भी मांगता है, अपने लिए विशेष पैकेज भी मांगता है, अपने लिए, मैं किसान हूँ, मैं ही बोलता हूँ, मेरे को मुफ्त में दवाई मिले, मुफ्त में हल मिले, मुफ्त में वो मिले, सब्सिडी भी मिले, लेकिन हम कि गवर्नमेंट को क्या देते हैं? मैं कड़वा आदमी हूँ, हम गवर्नमेंट को क्या देते हैं? किसान हूँ मैं गवर्नमेंट को किसान के खाते से एक पैसा नहीं देता और हर चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये दो धारी तलवार है, पहले ये सोचिए कि हम गवर्नमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, फिर गवर्नमेंट से डिमांड करिए, वो भी समस्या का समाधान हो सकता है। मेरा ये निवेदन है, डिमांड करना सबका राइट है। हर महीने उसका इंक्रीज होएगा, तो बढ़ेगा करता है हर साल। पानी का जो हमारा बिल है पैसे वो करना है, एक अगली मीटिंग और एक हाउस टैक्स इस साल थोड़ा बताते हैं। वो मेरे मंत्री ने गल हुई बोलता है, अरे तो बिल्कुल गलत है, वो आपको तो बोलता बेचारा मैं ये जहर में बिल कटा रही है हजार रुपये ऊपर जहरा मैं तुम चेता ना मैं फिर गल करनी लिखी करी। सर सदन के विधायक श्री पवन ईयर जी, हमारे ताए जी, तीरथ जी, दीवान साहब पुरी जी, अपने चंद्र भाई जी हैं, और म्यूनसिपल काउंसलर गुरु भाई जी, और मेरे बड़े भाई जी बड़ा साहब, और यहाँ पर आए हुए सभी हटनवा वार्ड के समस्त वासियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला है। और मैं आशा करता हूँ कि हम ऐसे मिलजुल कर वार्ड की हर समस्या का समाधान निकालेंगे।